हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के बेमिसाल खलनायक गोगा कपूर के बारे में बताते हैं। उनके फिल्मों में आने की कहानी से लेकर अंत की जानकारी भी देते हैं। हिंदी सिनेमा में दमदार आवाज और शानदार पर्सनैलिटी वाले खलनायकों का जब भी जिक्र होगा, गोगा कपूर का नाम जरूर लिया जाएगा। विलेन के रूप में उनका ऐसा खौफ हुआ करता था कि लोग उनको देखकर डर जाया करते थे। गोगा कपूर पाकिस्तान के लाहौर शहर में 15 दिसंबर 1940 को पैदा हुए थे। वैसे उनका असली नाम रविंद्र कपूर था, मगर बॉलीवुड में वो गोगा के नाम से ही फेमस हुए। गोगा बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता जगत राम कपूर उस जमाने में मशहूर टेक्सटाइल इंजीनियर हुआ करते थे। पिता चाहते थे कि गोगा उनकी ही तरह इंजीनियर बने, इसी वजह से उन्होंने गोगा को लाहौर से दिल्ली पढ़ने भेज दिया था। मगर बेटे के मन में तो सिनेमा बसा था, वो फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे। उनके परिवार में दो भाई और एक बहन भी थी। माँ कौशल्या देवी बेटे गोगा की मदद करती थी। इसी वजह से पढ़ाई पूरी करते ही गोगा ने 1959 में थिएटर का रुख कर लिया। थिएटर के वक्त उनके साथ नाटकों में अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन भी अभिनय किया करती थीं। कम ही लोगों को पता होगा कि अमिताभ को थिएटर की दुनिया में लाने वाले गोगा कपूर ही थे। उन्होंने ही पहली बार अपने नाटक ओथेलो में अमिताभ को कैसियो का रोल दिलवाया था। अमिताभ इस बात के लिए गोगा के हमेशा शुक्रगुजार भी रहे। गोगा के बॉलीवुड में आने की कहानी भी जान लीजिए। मशहूर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा अक्सर गोगा के नाटक देखा करते थे। उन्होंने मन बना लिया था कि गोगा को अपनी फिल्म का हीरो बनाएंगे। उन्होंने गोगा को साइन भी कर लिया, मगर बदकिस्मती से फिल्म नहीं बन सकी। इसी बीच डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म बना रहे थे। अमिताभ को मुख्य भूमिका मिली तो उनको गोगा का भी एहसान चुकाने का मौका मिल गया। उन्होंने गोगा कपूर को फिल्म में बेहतरीन रोल दिलवा दिया गोगा का। फिल्म सुपरहिट हो गई और गोगा कपूर उभरते खलनायक बनकर उभरे। अमिताभ की फिल्मों में खासकर गोगा कपूर को खलनायक का किरदार जरूर मिलता। उनकी कुछ यादगार फिल्मों की बात करें तो इनमें यादों की बारात, सलाखें, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, दोस्ताना, शान, याराना, कुली और तूफान जैसी कितनी ही फिल्में हैं। खासकर तूफान फिल्म में डाकू शैतान सिंह का किरदार तो गब्बर सिंह के बाद सबसे ज्यादा यादगार है। गोगा कपूर बॉलीवुड में तो कमाल कर ही रहे थे, इसी बीच वो टीवी पर भी छा गए जब उनको बी.आर. चोपड़ा ने अपने महाभारत सीरियल में कंस का अहम किरदार दे दिया। क्या आपको पता है कि गोगा को लोग सचमुच का कंस समझने लगे थे? जब भी वो घर से बाहर निकलते तो लोग उनको नफरत से देखा करते। कुछ लोग तो उनसे आकर पूछने लगते कि उन्होंने अपनी सगी बहन के साथ इतना खराब काम क्यों किया। अब गोगा कपूर की लव स्टोरी भी जान लीजिए। जब वो थिएटर करते थे उन दिनों एक लड़की भी उनके साथ अभिनय किया करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। शांता नाम की उस लड़की से गोगा को प्यार हो गया था। उन्होंने शांता से अपने प्यार का इजहार कर दिया। शांता भी उनको पसंद करती थी, लिहाजा दोनों ने 1966 में शादी कर ली। दोनों की 3 बेटियां हुई, शैली, सोनू और पायल। इनमें पायल भी अभिनेत्री हैं। दोस्तों, गोगा कपूर की मौत के बारे में भी बताते हैं। वो कम उम्र में ही कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए थे। साल 2008 में उनको पार्किंसन नामक गंभीर बीमारी ने भी घेर लिया, जिसने उनका जीवन नरक बना दिया। उनके हाथ पैर और पूरा शरीर बहुत जोर जोर से कांपता रहता था। वो खुद से खाना भी नहीं खा पाते थे। चलना फिरना भी बीमारी ने बहुत मुश्किल कर दिया था। काफी इलाज के बाद भी उनकी ये बीमारी बढ़ती ही गई। 2.5 साल तक वो इस भयानक बीमारी से जूझते रहे। 3 मार्च 2011 को बीमारियों का कष्ट झेलते झेलते गोगा की मौत हो गई।
दोस्तों आपको गोगा कपूर का कौन सा किरदार या फिल्म पसंद थी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।